वो घाटी पे घर देख रहे हो साहब? वो दूर घाटी पे वो मेरा घर था साहब। मेरा बाप वहां चाय के बगानों में काम किया करता था साहब। बहुत ही हसमुख और मददगार था मेरा बाप। वर्कर लोगों का यूनियन लीडर था साहब। वर्कर लोग काफी इज्जत किया करते थे उसकी। बहुत ही अच्छे दिन थे साहब। मेरे बाप से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार। वो पेड़ देख रहे हो साहब? वो लंबा ऊंचा पेड़, उसपे साहब मोटी लंबी रस्सी का झूला हुआ करता था। मेरा बाप मुझे उस झूले पे रोज ले जाया करता था और रोज मुझे झूला झुलाया करता था, ऐसे ऊपर ऊपर साए साए। और साहब जब झूला नीचे आता तो पेट में कैसा लगता है ना साहब एकदम से। बहुत ही अच्छे दिन थे साहब, बहुत ही अच्छे दिन थे। फिर अचानक से एक दिन पुलिस आई और मेरे बाप को ले गई साहब। और तो और मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं इतना सा रहा हूँ साहब, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। माँ अपने एक बेटे को छोड़कर चली गई साहब। मैं वहां खड़ा हुआ रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा साहब। किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा साहब। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता साहब, सब मतलब ये, कोई नहीं पूछता। जब वहां पे खड़े खड़े भूख लगने लगी ना, तो पेट में ऐसे ऐसा लगा जैसे कोई जानवर नोच रहा हो, अपने नाखूनों से नोच नोच के खा रहा हो। इंसान एकदम ऐसे ही पागल हो जाता है साहब, पागल हो जाता है साहब एकदम से इंसान। तभी साहब, तभी मुझे उस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ता रोटी चबाता हुआ दिखा। ऐसे चबर चबर चबाया जा रहा था साहब। मैंने पत्थर उठाया और उसको दे मारा। और सर जैसे वो भागने लगा ना, उसके पीछे पीछे भागा मैं। भागते भागते जब उसके मुंह से रोटी गिरी ना, वो रोटी का टुकड़ा मैंने उठाया और उस दिन से लगता है कि साहब की किसी ने जमीन और आसमान पे लिख दिया हो कि मनोज अगर जीना है तो छीनना सीख, मनोज अगर जीना है तो मरना सीख। ऐसा लगता है साहब मुझे, ऐसा लगता है।